हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी हमारी सोसाइटी में जन्माष्टमी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप और हम शामिल होते हैं जन्माष्टमी महोत्सव की झांकियां देखने के लिए। तो चलते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी का स्वामी नारायण मंदिर, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को सुसज्जित किया गया है। और यहाँ काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और इस जन्माष्टमी महोत्सव को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो चलते हैं मंदिर में। दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपने सब्सक्राइबर जो कि इंडिया से बाहर एब्रॉड में रहते हैं, जो पाकिस्तान में, नेपाल में, ओमान में, यूके में, जो कोई भी इंडिया में जन्माष्टमी महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है, तो उन सब की के लिए मैं ये वीडियो तैयार कर चुकी हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मंदिर के प्रांगण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर को बहुत सुंदर से सुसज्जित किया गया और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और देख सकते हैं कि कितनी सुंदर, कितनी ही खूबसूरती से इस मंदिर को सुसज्जित किया गया, सजाया गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं छोटे से कान्हा जी हैं जिसको पंडित जी श्रृंगार कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। साथ ही यहाँ पर आप जो पेटियाँ देख रहे हैं, इसमें प्रसाद है, फल है, जो कि पूजा की समाप्ति के बाद वितरण किया जाएगा। और यहाँ पर आदित्य भी पंडित जी से चंदन तिलक लगा रहा है। इसके बाद हम लोग मंदिर के सामने पंडाल का निर्माण किया गया, तो और यहाँ पर राधा कृष्ण की नृत्य संगीत का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा रानी का आगमन हो चुका और यहाँ पर नृत्य का कार्यक्रम शुरू होगा। ये करीब रात के 12 बजे तक यह कार्यक्रम होता रहा है और लोगों ने इसका बहुत ही भरपूर आनंद उठाया। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि करीब रात के 12 बजे तक यह कार्यक्रम होता गया और लोगों ने इसका भरपूर आनंद उठाया। यहां पे हर महिला पुरुष सब मिलकर नृत्य संगीत करते रहे करीब रात के 12 बजे तक, इनके पैर थिरकते रहे, एक से एक भजन गीत संगीत आयोजन होता रह गया। हर महिला, हर बुजुर्ग, आप सभी को देख सकते हैं कि मनमोहक भजन में वो मंत्रमुग्ध होकर नृत्य कर रहे हैं।
रात के करीब 12 बजे के बाद श्री कृष्ण प्रकट उत्सव होने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद सारे लोग अपने घर पहुंचे। इस तरह हमने जन्माष्टमी महोत्सव बनाया। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।